हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, अब तक के वीडियो में मैंने आपको जिन स्वरों का अभ्यास करवाया है उसका हम एक बार उच्चारण करेंगे, फिर आगे के स्वर सीखेंगे। तो आप भी मेरे साथ बोलिए, हमने कौन कौन से स्वर सीखे? अ आ ई ई उ ऊ और रु। तो हमने रु तक के स्वरों का अभ्यास पूरा कर लिया है। अब रु के बाद क्या आएगा? ए। तो आज हम ए लिखना सीखेंगे। सबसे पहले ए से क्या होता है? एडी। एडी यानी हमारे पैर के जो पीछे का हिस्सा होता है ना, ए वाला, इसे एडी कहते हैं। ए से एक और ए से एल्बम। अब हम ए की लिखावट करना सीखेंगे। यहाँ पर देखिए, वन नंबर कहाँ पर दिया है? ये रहा। तो आपको यहाँ से शुरू करना है, ऐसे ऐसे करके लिखते जाना है और ऐसे करके ऐसे ऐसे करके वापस यहाँ तक। उसके बाद पेंसिल उठाकर यहाँ से शुरू करना है। ये थ्री नंबर है ना, वहाँ पर ऐसे करके ऐसे लिखते हुए ऐसे थोड़े मुड़ना है और ऊपर शिरोरेखा लगानी है। ये हो गया ऐसे एडी। नीचे भी एक बार मैं आपको सिखा देती हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ से आपको शुरू करना है, ऐसे करके फिर इस तरफ ले जाना है और थोड़ा ऐसा मुड़ना है। उसके बाद ऐसे और इस तरह से और ऊपर लगानी है आपको शिरो रेखा। इस प्रकार से आपको ये चारों लाइन लिखकर कंप्लीट करनी है और साथ में बोलते जाना है। अब एक के बाद कौन सा स्वर आएगा? ऐ। कौन सा स्वर आएगा बच्चों? ऐ। तो ऐसे क्या होगा? ऐनक। ऐनक यानी कि चश्मा। ऐसे ऐरावत और ऐसे एम्बुलेंस। तो अब हम ऐ की लिखावट समझेंगे। आपको यहाँ भी नंबर के अनुरूप ही लिखते जाना है। यहाँ वन नंबर से स्टार्ट करना है आपको, ऐसे करते हुए इस तरफ ऐसे ऐसे, उसके बाद ऐसे और ऐसे और ऊपर शिरोरेखा। यहाँ तक तो ए और ऐ की लिखावट एक समान ही है, लेकिन ऐ में हमें ऊपर ऐसी एक मात्रा लगानी होती है। देखा आपने, यहाँ लगाई है ना, उसी प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको ऐ लिखना है। नीचे भी एक बार मैं आपको लिखकर बता देती हूँ। ऐसे करके धीरे धीरे करके ऐसे फिर इस तरफ ले जाना है और ऐसे फिर ये वाला ऐसे करके ऐसे, उसके ऊपर ये शिरोरेखा बनानी है और ऊपर ये मात्रा और उसका उच्चारण क्या होता है? ऐ। वो आगे सीखा हमने, वो ए और इसे क्या कहते हैं? ऐ। तो अब तक हमने कितने स्वरों का अभ्यास किया? अ आ ई ई ऊ ऊ रु ओ, रु के बाद ए और ऐ। तो अब हम ए जो दो स्वर मैंने आपको सिखाए उसका अभ्यास मैं नोटबुक में आपको करवाती हूँ, क्योंकि ये दोनों स्वरों की लिखावट एक समान है, इसलिए मैंने ये दोनों स्वरों को एक साथ सिखाया है।
तो आगे के स्वर हमने जिस प्रकार से लिखे उसी प्रकार से आपको नोटबुक में लाइन बनाकर इन दोनों स्वरों को लिखने का अभ्यास करना है। तो सबसे पहले ए, तो नोटबुक में आपको ऐसे धीरे धीरे करके पहले कौन सी लाइन बनानी थी हमें, ए वाली, फिर इस तरफ ले जाना है और ऐसे, फिर ए वाली लाइन और ऐसे, और ऊपर शिरोरेखा बनानी है। ए हो गया ए, फिर से एक बार ए वाली लाइन स्टैंडिंग, फिर इस तरफ ले जाना है और ऐसे, फिर ऐसे और इस तरफ से, ये हो गया ए, ऐसे एडी। फिर से दूसरी लाइन यहाँ पर देखिए, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे, फिर इस प्रकार से ऐसे ऐसे एडी, ऐसे इस प्रकार से ऐसे इस प्रकार से ऐसे करके ऐसे, ये हो गया ऐसे एडी। उसी प्रकार से हमें दो लाइन ऐ की भी लिख कर प्रैक्टिस करनी है, उसमें भी आपको ऐसे धीरे धीरे करके लिखना है, ऐसे ऐसे करके आपको ऐसे करना है, फिर शिरो रेखा लगाकर आपको ऊपर मात्रा लगानी है, ऐसे किया फिर इस तरफ ले जाना है, ऐसे ऐसे फिर शिरो रेखा और ऊपर मात्रा। यहाँ नोटबुक में आपको जगह कम दी गई है, इसलिए आपको इसे धीरे धीरे करके लिखकर प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ गया बच्चों, लाइन के बाहर जाना चाहिए नहीं, ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे ए और ए ऐ, तो इसी प्रकार से आपको ये चारों लाइन पूरी लिखकर ये पूरा पेज कंप्लीट करना है, और साथ में इन स्वरों का उच्चारण भी करते रहना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।